राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे आखिर क्यों श्री कृष्ण ने पी लिया था राधा जी का चरणामृत। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने ही जीवन से संदेश देते हैं और कई बार तो वे भक्तों को महत्वपूर्ण बातें समझाने के लिए कई लीलाएं करते भी हैं। ऐसी एक अनूठी लीला उन्होंने गोपियों को ये बात समझाने के लिए की थी कि भक्त अपने भगवान के लिए कैसे अपनी भी परवाह नहीं करता। भक्ति व प्रेम में वह बह जाता है और प्रिय के लिए कुछ भी कर गुजरता है। वही राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में तो हर जगह हर कोई जानता है कि वह कितना पवित्र है, कितना अटूट है और कैसे राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे में बसते हैं। एक को पुकारो तो दूजा दौड़ा चला आता है। चलिए यहाँ हम यही जानते हैं कि कैसे कृष्ण ने गोपियों को अटूट प्रेम व भक्ति के दर्शन करवाए, कैसे उन्हें बताया कि निस्वार्थ प्रेम की असली प्रेम किसे कहते हैं। नंदगांव में कृष्ण राधा व गोपियों के साथ रास रचाते थे। गोपियां भी राधा की तरह उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सब कुछ भूलकर दौड़कर चली आती थीं। ऐसे में हुआ यूं कि गोपियों को एक बार यूं लगने लगा कि कृष्ण राधा को ही अहमियत देते हैं, जबकि वे भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। कृष्ण गोपियों को राधा के प्रेम की पवित्रता व निस्वार्थ भाव के प्रत्यक्ष दर्शन कराना चाहते थे। वह इसके लिए उन्हें एक लीला के जरिए उन्होंने उनको ये समझाने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बीमार होने की लीला रची। कोई वैद्य उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। किसी भी जड़ी बूटी का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब परेशान थे कृष्ण को इस हालत में देखकर। भगवान श्री कृष्ण की लीला गोपियों से भी श्री कृष्ण की हालत देखी नहीं जा रही थी। वे भी परेशान हो गईं कि आखिर कृष्ण कैसे ठीक होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना इलाज खुद बताया। कृष्ण ने कहा कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से अपने पैर धोकर चरणामृत मुझे पीने को देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर सारी गोपियां सन्न रह गई। सब सोचती थी कि यदि कृष्ण ठीक हो जाएं, लेकिन हम अपने पैरों के चरणामृत उन्हें देंगे तो हम नरक के भागी होंगे। सब ऐसा करने से कतरा रहे थे। तभी राधा वहां आई और कृष्ण की हालत देखकर काफी दुखी हुई। वहीं जब राधा को पता चला कृष्ण किसी अन्य भक्त के चरणामृत से ठीक हो सकते हैं, तो बिना देर किए राधा ने अपने पैर धोकर चरणामृत कृष्ण को दे दिया। राधा का चरण अमृत पीते ही कृष्ण ठीक हो गए। ऐसा नहीं था कि राधा को पता नहीं था कि उन्हें ऐसा करने से उनको नरक में जाना पड़ेगा, पर कृष्ण का ठीक होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने अपना चरणामृत दे दिया। यह सब गोपियां देखती रह गईं और इस तरह कृष्ण ने बता दिया कि क्यों राधा खास है और कैसे वह स्वयं से ज्यादा कृष्ण के बारे में सोचती हैं। श्री कृष्ण को स्वस्थ रखने के लिए वह नरक जाने को भी तैयार थीं। यह प्रसंग हमें यह भी बताता है कि अटूट प्रेम और भक्ति से स्वयं से ज्यादा अपने प्रिय का ध्यान रखा जाता है। अन्य भक्त व प्रेमी कुछ भी कर गुजरता है। राधा जी के प्रेम तथा भक्ति में निष्ठा उन्हें श्री कृष्ण को निरंतर देखने के लिए उनके भविष्य तक की चिंता न की। यही उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है। आप सभी श्रोताओं को यह कहानी कैसी लगी?
आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।